हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर मेंस अ डे का पॉलिटी का पहला आपका मैड राइट। इसके अंदर हम एक क्वेश्चन देखेंगे एंड फिर उसके मॉडल आंसर का स्ट्रक्चर देखते हुए उसके अंदर इन्फॉर्मेशन देखते हुए वी विल बी लुकिंग एट हाउ टू सॉल्व मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस सो दैट यू कैन गेट ग्रेट मार्क्स इन योर मेंस। ठीक है, अब जो क्वेश्चन हमने पॉलिटी पहला पॉलिटी का मैड के लिए उठाया है राइट, वो जो क्वेश्चन है थोड़ा अब एक ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है बट कंसेप्चुअल चीज़ों की बात करता है और ऑफन ये जो चीज़ें हैं GS2 में अगर आ जाए तो स्लाइटली ट्रिकी साबित हो सकती हैं कि लिमिटेड वर्ड्स में लिमिटेड टाइम में ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो समझना और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालना। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि द डायनामिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ गिफ्ट ऑफ इट्स अंडरलाइंग फिलोसफी कॉमेंट। बेसिकली क्वेश्चन ये अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है, ये जो डायनामिज्म उसमें आता है, ये जो कंटिन्यूस चेंज करने की एक ओरिएंटेशन उसमें आती है, वो उसकी अंडरलाइंग आइडियोलॉजी और फिलोसफी का एक गिफ्ट है। इस पे आपको कमेंट करने के लिए बोला है राइट। स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो ज़रूरी है ये बताना, एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट आगे रखना राइट, जहाँ पे ये बताया जाए कि अगर हम एक फिलोसफिकल बेसिस की बात कर रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं कि कुछ फाउंडेशनल आइडियोलॉजी या फिलोसफी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, ये बेसिकली आती कहाँ से है राइट। सो हमारा जो इंट्रोडक्शन है हम उसमें यही बात करते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फिलोसफिकल बेसिस क्या है। उसका फिलोसफिकल बेसिस आ रहा है उसके सिविलाइजेशनल पास्ट से, उसके कलोनियल एक्सपीरियंस से, एज वेल एज इंस्पिरेशन जो उसको कुछ वेस्टर्न आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से मिली, सच एज लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, जो उन्होंने अपने अंदर इंश्राइन करके उनको अचीव करने की कोशिश की। और यही जो फिलॉसफी, यही जो ऑब्जेक्टिव्स थे जवाहरलाल नेहरू ने जब अपने दिसंबर के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आगे रखा, यही फिलॉसफिकल विजन उसमें भी झलकाई गई थी। मूविंग ऑन फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या हमने किया, हमने यहाँ पे एक ऑथर कोट कर दिया जो कि आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत जाने माने जो है दिग्गज माने जाते हैं, विच इज़ हु इज़ ग्रैनविल ऑन्स्टिन। तो उन्होंने क्या बात की, उन्होंने बोला कि अगर फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तीन बेसिक स्टैंड उसमें देखे जाते हैं जो कि आगे कनेक्ट करते हैं आपको डायनामिज्म से भी। पहली है कंटिन्यूसली आपने प्रोटेक्ट करनी और इन्हांस करनी है आपकी नेशनल यूनिटी एंड इंटेग्रिटी राइट। सेकेंडली आपने क्या करना है, सेकेंडली आपने इस्टेब्लिश करनी है ऐसी इंस्टीट्यूशंस जो कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को प्रमोट करें एंड जो डेमोक्रेटिक इन नेचर हो। ठीक है, सो अगेन इस्टैब्लिशिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है कि सिर्फ जो इंस्टीट्यूशंस अभी नहीं, मूविंग ऑन ऑल्सो, मूविंग फर्दर ऑल्सो, डेमोक्रेसी को एक तरह से सोसाइटी में परपेचुएट करने के लिए, डेमोक्रेसी को और बढ़ावा देने के लिए, इसकी स्पिरिट को बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस को, सिविल सोसाइटी को एक इंकरेज करने की ज़रूरत है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि डायनामिज्म में रिफ्लेक्ट करती है ये जो फिलॉसफी, वो है फॉस्टर करना एक सोशल रेवोल्यूशन को ताकि जो इंडियन मासेज हैं उनकी बेहतरी हो सके। ठीक है, देयरफॉर अब इस फिलॉसफी से डायनामिज्म सिर्फ आपको इन तीनों चीज़ें से नहीं बल्कि आगे कैसे पता लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ लाइक अब 1950 में, अगर ये जो है आपका 1949 में बन के आया और 1950 में अगर प्रोमिलगेट हो रहा है तो सिर्फ उस जनरेशन को ये सर्व नहीं कर रहा था बल्कि जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हम अभी हैं एंड हमसे आगे भी जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनको केटर करने के लिए ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है। और इसीलिए जो डायनामिज्म है इसका एक कॉन्क्रीट हिस्सा है ताकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक स्टैगनेट होके ना रह जाए बल्कि इसके अंदर इतनी डायनामिज्म हो दैट विद कमिंग जनरेशन जैसे जैसे उनकी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स चेंज हो वैसे वैसे ये डॉक्यूमेंट भी इवॉल्व होता रहे। साथ ही में ये डायनामिज्म झलक के आता है क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी एक एम, एक विजन, एक गोल आगे रख रही है और फिलॉसफी क्या है कि हमने इवॉल्व होना है उस एम को रीच करने के लिए, और वो एम क्या है कि एक जस्ट एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी हम इस्टेब्लिश करें। ठीक है, मूविंग ऑन, जो फाउंडेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की वो भी एक ऐसे सिस्टम पे बेस्ड है जिसके अंदर जो मशीनरी है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व होती रहे राइट, और वो बेस्ड है ऑन द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जो कि आर्बिट्ररी ना हो बल्कि किसी ना किसी रूल
रूल ऑफ लॉ पे, जो रूल ऑफ लॉ है उस पे बेस्ड हो. और यही फिलोसफिकल टेनेट्स जो है उनको सर्व करने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कॉन्स्टेंटली अमेंडमेंट्स जो है, राइट, अमेंडमेंट्स जो उसमें आई हैं वाया से द फर्स्ट अमेंडमेंट, 9th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th, राइट, जो कि सारी की सारी इम्पार्ट अ सर्टन काइंड ऑफ डायनामिज्म, ताकि जो विजन है, जो एक गोल्स हैं, जिस तरह से ग्रैनविल ऑस्टन ने बात की, वो जो है फुलफिल हो सके. फर्दरमोर जो प्रियम्बल है वो भी एक गाइडिंग लाइट बना देती है कि किस तरह से जुडिशरी एक रोल प्ले कर सके वाया एक्टिविज्म एंड PILs इन एक्चुअली फर्दर ब्रॉडनिंग द होराइजन्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मोर ओवर आपकी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, अगेन वो जो उनकी फिलोसफी, जो एक आइडियोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरलाइन करते हैं, वो भी डायनामिज्म रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि इनफोर्सिएबल नहीं थे, बल्कि दे वर सेट एज एस्पिरेशंस, दे वर सेट एज गोल्स दैट इवेंचुअली एज द पॉलिटी एंड अ सोसाइटी मूव्स अहेड एंड डेवलप्स, इनको फुलफिल किया जा सके एंड ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट कर सके आपके फंडामेंटल राइट्स को. साथ ही में जो नीड फॉर कॉन्स्टेंट एवोल्यूशन थी, इसको भी बिल्ड इन किया थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 368, विच इम्पार्ट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू आर कॉन्स्टिट्यूशन. देयरफॉर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी है, इट लुक्स एट द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट, जिसके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो, कॉन्स्टेंटली चेंज हो, ताकि उसके जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके, राइट. साथ ही में हम इसी आंसर में एक और चीज इंपार्ट कर देते हैं, राइट. हमने वेरियस एग्जांपल्स तो ऑलरेडी दे ही दिए कि किस तरह से डायनामिज्म को ऑपरेट करने के लिए प्रोविजंस हैं, किस तरह से डायनामिज्म जरूरी है, बट साथ ही साथ में हम एक और चीज जोड़ देते हैं कि वाइल डायनामिज्म इज रिक्वायर्ड, देर आर सर्टन कोर प्रिंसिपल्स जो कि मूल वैल्यू हैं, मूल अधिकार है, फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि इस डायनामिज्म को इनकरेज पुश करते हैं. एंड जरूरी है दैट वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व्स वी डू नॉट फॉरगेट दीज फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, जो कि जुडिशरी ने अब एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया है, राइट. सो आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप ये लिख सकते हैं दैट वाइल डायनामिज्म इज इनकरेज, वाइल एवोल्यूशन इज ऑब्वियसली द नीड फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज टू स्टे रेलिवेंट फॉर द जनरेशन टू कम, जरूरी है कि कुछ दो जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, कुछ जो ऐसी चीजें जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो हमेशा रहे, वो हमेशा जो है एग्जिस्ट करते रहे, ताकि ये जो फिलॉसफी एंड आइडियोलॉजी है वो भी हमेशा रेलेवेंट हो, राइट. सो दिस वाज योर मैड फॉर द डे फॉर पॉलिटी, राइट. होपफुली ये क्वेश्चन जो है गेव यू एन एग्जांपल कि इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, उनको कैसे टैकल करना है. आप और भी ऐसे क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देख के जो है एक बार ट्राई आउट कर सकते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.